आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, बिंदु ए जेड नोड पे से वृत्त मोड जेड बराबर आर पर खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात। ठीक है बच्चों, अब वृत्त का समीकरण है मोड जेड बराबर आर। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो मोड जेड स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। मोड जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है? जेड जेड बार के बराबर होता है, जिसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर स्क्वायर लिखेंगे। अगर मैं बात करूं वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता तो हम टी बराबर जीरो से उसका समीकरण उस पे किसी एक्स वन कोमा वाई वन बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण लिखते टी बराबर जीरो से, क्या आता एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर आर स्क्वायर मिलता। उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे किससे, जेड नॉट बिंदु से, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकलेगा? कुछ ऐसा लगेगा जैसे एक्स कोमा वाई, जेड जेड बार है, एक्स कोमा वाई है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स एक्स वन से बदल देते और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बटा दो से हम बदल देते थे। वैसा ही कुछ यहाँ पे करेंगे, जेड वन बिंदु से हमने क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे, क्या होगा समीकरण, जेड जेड नॉट बार प्लस जेड नॉट जेड बार बटा दो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब जेड जेड नॉट प्लस जेड नॉट जेड बार किसके बराबर होगा, दो आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसका आंसर बी आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।